हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको याद होगा कि आपकी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021-22 क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर आज दिनांक यानी कि 29/11/2021 को आज आपका पेपर संपन्न हुआ। 80 मार्क्स का पेपर आया था और 3 घंटे आपको टाइमिंग मिला था। इस पेपर का फुल सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं, तो आप इस आंसरों को मिलाने के बाद में आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपको परीक्षा देने के बाद में कितने नंबर आपने प्राप्त किया है। तो सारे के सारे सॉल्यूशन आप इस वीडियो में हम आपको देंगे, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका अनसीन पैसेज का आया था बच्चों, ठीक है। जो कि जैसे ही आप इस अनसीन पैसेज को पूरा पैसेज पढ़ोगे, डेफिनेटली आपको आंसर समझ में आ जाएगा और आंसर आप निकाल देंगे। यानी कि पहला जो प्रश्न है वो द मेन सोर्स ऑफ एनिमल्स ऑयलेस, यानी कि जो जो जानवर जो होती है ना उनका मुख्य स्रोत कहाँ से होता है, यानी कि उनको ऑयल तेल कहाँ से प्राप्त होता है। तो आप जैसे ही प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा ऑयल कम फ्रॉम वेल्स, यानी कि जो वेल जो मछलियाँ होती है वहाँ से उनको ऑयल यानी कि तेल मिलता है। यानी कि हमारा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज फॉर, जो भाई जो सब्जियों वाला जो तेल जो होता है वो मेनली यूज किसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे ही इस पूरा पैसेज को पढ़ेंगे तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है, यानी कि यहाँ पर जो ये यहाँ देखो उन्होंने दिया है कि यूज्ड इन कुकिंग, यूज्ड इन कुकिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑयल का यूज़ अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा कुकिंग के लिए किया जाता है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा इसमें भी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द और रिक्त स्थान ऑफ फिश यील्ड नॉस्ट्रिंग्स ऑयल, यानी कि यहाँ पर आप इस पैसेज को यदि पढ़ेंगे बच्चों तो यहाँ पर आपको इसका आंसर निकल कर आ रहा है, वो आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन यानी कि लीवर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं नंबर 4 क्वेश्चंस, द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फेट ऑन अ वेल्स इज कॉल्ड ए, उसे क्या बोला जाएगा, उसे ब्लबर बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, ब्लबर, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। नंबर 5 देखेंगे, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट यानी कि वर्ब फॉर्म वर्ड है प्रोटेक्ट, और इस प्रोटेक्ट वर्ड का आपने को नाउन फॉर्म बताना, यानी कि नाउन फॉर्म बताना यानी कि संज्ञा, संज्ञा का रूप बताना है, फॉर्म मतलब रूप और नाउन फॉर्म यानी कि संज्ञा का रूप बताना है। तो जब जब भी आपको इस प्रकार का वर्ड आता है बच्चों तो उसका जो रूप है ना उसका रूप बन जाएगा प्रोटेक्शन, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि प्रोटेक्ट का नाउन फॉर्म क्या बन जाएगा, प्रोटेक्शन, यानी कि जैसा कि इंट्रोडक्ट से इंट्रोडक्शन हुआ है, टॉलरेट से टॉलरेशन हुआ है, ठीक उसी प्रकार से नाउन फॉर्म बन जाएगा आपका प्रोटेक्शन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी के प्रकार जैसे कि आपका पैसेज सेकंड आया था, नहीं कि इसमें यहाँ पर 2 पैसेज आए थे, 5-5 नंबर के पैसेज थे, तो ये पूरा का पूरा पैसेज एक स्टोरी है। जैसे आप इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो आपको ये स्टोरी का समझ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं इसका पहला प्रश्न, द फेरी वॉन्टेड टू मेरी द शेपर्ड बिकॉज, यानी कि गार्डन चलाने वाला जो एक फेरी यानी कि रानी महारानी है ना, तो जो गार्डन चलाने वाला है ना वो उसे रानी महारानी से शादी करना चाहता था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर जो बन रहा है वो आंसर आपका मैं क्यों करना चाहता था, क्योंकि वह बहुत ही मधुर स्वीटली ऑन इस फ्लूट, यानी कि बहुत ही मधुर मुरली बजाता था, इसलिए वह गार्डरिया चराने वाला उस रानी से शादी रानी उससे इसलिए शादी करना चाहती थी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर दूसरा देखते हैं, व्हेन द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेपर्ड, भाई उस महारानी ने यानी कि उस परी ने जब उस रिंग उसके हाथों में या उंगलियों में पहनाई तो द शेपर्ड भाई क्या हुआ उसमें, तो चेंज इंटू अ हैंडसम यूथ, भाई उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, द शेपर्ड वेंट टू रोम इन, तो कहाँ पर गया था, तो वो गया था उस कोच के पास में, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 देखते हैं, व्हेन जब द शेपर्ड रीच्ड रोम ही, तो भाई जो 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 गडरिया चराने वाला जो था वो जब वो पहुंचा था तब रोम, तो क्या हुआ था, तो प्लान टू मैरी टू अ क्वीन ऑफ इटली, तो उसने जो इटली की जो महारानी थी उस इटली की रानी से उसने शादी करने का प्लान किया था, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। द क्वीन ऑर्डर्ड द शेपर्ड टू बी वाइप्ड आउट ऑफ द प्लेस बिकॉज ही,
तो इसका जो ये फाइव फाइव का जो आंसर जो निकल कर आ जाएगा वो फाइव का आंसर है बच्चों यहाँ पर, टर्न्ड ओल्ड भाई, ओल्ड एंड अगली, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद में हमें दूसरा प्रश्न यानी कि मेक नोट्स का और सूटेबल टाइटल निकालना था। तो जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे आपका जो टाइटल है, टाइटल का क्वेश्चन मैंने आपको रात को भी नोट्स और टाइटल के बारे में बताया था, यदि आपने वो वीडियो को समझ लिया होगा तो शायद आपने इस प्रश्न को बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिया होगा। ठीक है, तो इसका टाइटल यानी कि निकल कर आ जाएगा यहाँ पर फ्लाइंग मम्मल्स या मम्मल्स, फ्लाइंग मम्मल्स इसका टाइटल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, टाइटल, और उसके बाद में नोट्स, आपको पॉइंट टू पॉइंट्स में बच्चों को नोट्स बनाना था। इसका वीडियो मैंने लास्ट नाइट में ही अपलोड किया है, यदि आपने वो नहीं देखा है तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर यानी कि एप्लीकेशन का प्रश्न आया था। एप्लीकेशन आपको फुल प्रिंसिपल फॉर फ्री कनेक्शन एज योर फादर हैज़ लॉस्ट द जॉब ड्यूरिंग कोरोना पैंडी मेक। ठीक है, यानी कि आपको फुल फ्री शिप यानी कि शुल्क मुक्ति की आपको एप्लीकेशन लिखना थी यहाँ पर। किसकी एप्लीकेशन लिखना थी? शुल्क मुक्ति की एप्लीकेशन यहाँ पर लिखना थी, जिसको फुल फ्री शिप या फुल फ्री कंस्ट्रक्शन आप कहते हैं। ठीक है, वो एप्लीकेशन यहाँ पर अपने को लिखना थी। उसके ओआर में यहाँ पर राइट इन्वाइट हिम स्पेंड समर वोकेशन यानी कि समर वोकेशन यानी कि गर्मी की छुट्टी के लिए अपने को, अधिक गर्मी की छुट्टी के लिए अपने मित्र को एक आमंत्रण पत्र यहाँ पर लिखना था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चंस भी हमने वीडियो बनाकर हमारे जो चैनल है उस पर अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से इस क्वेश्चंस को भी सोल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर हम बच्चों कहना चाहेंगे कि इस पूरे के पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम अगेन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी सारे एग्ज़ाम के पेपर हैं कि फुल सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और जितने भी सारे आने वाले सब्जेक्ट की तैयारी भी हमारे द्वारा इस चैनल पर करवाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक फाइव की यदि बात करते हैं तो आप अपने को निबंध लिखना था एनी 50 वर्ड में, टेररिज्म, आतंकवाद या पॉल्यूशन, पॉल्यूशन प्रॉब्लम यानी कि पर्यावरण समस्या, या आइडियल पर्सन, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि साइंस के निबंध, चाहे तो यहाँ पर निबंध लिखना था, यानी कि पाँच नंबर का प्रश्न था ये। ठीक है, अगला प्रश्न था अपने को किसी द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश वाटर वाटर कॉन्वर्सेशन और योग एंड हेल्थ इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, इसके ऊपर भी अपने को यहाँ पर एक टॉपिक्स नीचे टॉपिक्स दिया गया था। इस टॉपिक्स को पढ़ने और समझने के बाद में यहाँ पर अपने को एक पैराग्राफ तैयार करना था। ठीक है, उसके बाद में नीचे जो प्रश्न दे रखा है, प्रश्न क्रमांक सिक्स, ये पूरा पिक्चर दे रखा है, इस पिक्चर को पढ़ने के बाद में अपने को 75 वर्ड्स में एक्सप्लेन करके लिखना था, जो कि ये तीन चार नंबर का प्रश्न था, तीन नंबर का। चलो आइए देखते हैं, सेक्शन सी यानी कि ग्रामर का चैप्टर था अपना, ग्रामर पार्ट था। ठीक है, तो ग्रामर पार्ट में पहला जो प्रश्न है आपका, पहले प्रश्न को समझ लीजिएगा आप लोग, जैसे कि पहला जो प्रश्न है, पहले प्रश्न को देखेंगे हम, यानी कि यहाँ पर जो पहला जो प्रश्न था यानी कि वर्क हार्ड यू विल फेल, तो आप परिश्रम करें अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न का आंसर बन जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका ओ आर, यानी कि ओ आर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओ आर। ठीक है, दूसरा प्रश्न देख, द गंगा इज सेक्रेट रिवर, देखो तो यहाँ पर आर्टिकल्स का प्रश्न था, तो सेक्रेट यानी कि सा वर्ड आ रहा है, सा वर्ड यानी कि यहाँ पर व्यंजन हो रहा है, और व्यंजन के साथ में बच्चों यहाँ पर हमेशा ए आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, यानी कि द गंगा इज ए सेक्रेट रिवर, यानी कि ए आर्टिकल्स यहाँ पर आ जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, प्लीज़ स्प्रेड बटर ऑन ब्रेड, यानी कि यहाँ पर ये अनकाउंटेबल नाउन हो रहा है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में बटर अनकाउंटेबल नाउन हो रहा है, इसके साथ में ए लिटल का यूज़ होगा। ठीक है, ए लिटल इसका राइट आंसर बन जाएगा। ही हैज़ गिवन स्मोकिंग, भाई उसने स्मोकिंग करना छोड़ दिया, इन्हें तो गिव अप या गिवन अप यहाँ पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो आंसर बन जाएगा वो अप आंसर हमारा राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा नंबर फाइव, यानी कि वी शुड वियर मास्क इन क्राउड प्लेसेस, भाई हमारे भीड़ में मास्क पहनना चाहिए। ठीक है, मुंह को ढकना चाहिए, तो शुड मतलब चाहिए, यानी कि हमारा राइट आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा बच्चों यहाँ पर शुड। ठीक है, वी ही ऑलवेज हेल्प्स अदर्स, भाई हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा आपका हेल्प्स, यानी कि यहाँ पर ही आया है इसलिए हम ही के साथ में उसका एस मेन वर्ब के साथ में एस ई एस या आई एस जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ इधर ही आया था इसलिए हेल्प्स हमारा राइट आंसर बन जाएगा।
डूइंग डायरेक्टेड देखते हैं, सी कॉट द ट्री यानी कि इंटरगेटिव बनाना था। तो इंटरगेटिव यानी कि सबसे पहले तो ये पास्ट इंडेफिनिट का उदाहरण है, और पास्ट इंडेफिनिट का यदि उदाहरण है तो हम सब्जेक्ट के पहले डिड लगाएंगे, डिड सी कट द ट्री, ये हमारा पूरा आंसर बन जाएगा। और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह डिड सी कट द ट्री, ठीक है, पूरा आंसर बन गया। दूसरा प्रश्न देखेंगे, ही टीच्स इंग्लिश, पैसिव बनाना है तो पैसिव बनाते हैं, इंग्लिश लिखेंगे सबसे पहले, तो इंग्लिश लिख दिया, इंग्लिश के बाद में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का उदाहरण है इसलिए इज लगाएंगे, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी टाट हो जाएगी, थर्ड फॉर्म इसकी टाट, बाई प्रपोजिशन वर्ड का प्रयोग करेंगे और ही से हिम हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, इंग्लिश इज टाट बाई हिम, ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है, इंग्लिश इज टाट बाई हिम। नंबर तीसरा देखेंगे, यानी कि तीसरे में अपने को क्या करना है, यूज आप अनलेस का प्रयोग करना है, तो यहाँ सेंटेंस से आप इफ के स्थान पर तो अनलेस लगा दीजिए, ठीक है, अनलेस लगा दीजिए, और सेंटेंस से डू नॉट को रिमूव कर दीजिए, यानी कि सेंटेंस से डू नॉट हटा दीजिए, शेष वाक्य यथावत रख दीजिए, आंसर बन जाएगा आपका। क्या आंसर बन रहा है एक बार फिर सुन लीजिए, इफ के स्थान पर अनलेस लगा दीजिए और सेंटेंस में डू नॉट आया है, इस डू नॉट को रिमूव कर दीजिए, यानी कि डू नॉट हटा दीजिए और शेष वाक्य यथावत रख दीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या करना है, ये फर्स्ट टू आया है इसके स्थान पर सो लगाना है, सेकंड टू आया है इसके स्थान पर डेट लगाना है, और डेट के बाद में सब्जेक्ट आपको ही लिखना है, और ही के बाद में सेंटेंस में इज आया है इसलिए हम कैन नॉट लगाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, यानी कि पूरा आंसर क्या बनेगा, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस, वह इतना गरीब है कि शुल्क जमा नहीं कर सकता, ठीक है, ऐसा आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, अगला प्रश्न यानी कि नंबर फाइव, ही टीच मी साइंस, वह मुझे विज्ञान पढ़ाते हैं, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करने के लिए सबसे पहले तो ही सब्जेक्ट वही रखेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट में यदि चेंज करेंगे तो जो मेन वर्ब है उसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा टाट हो जाएगा, टाट मी साइंस, ठीक है, वह मुझे विज्ञान पढ़ाते थे, ठीक है, मी साइंस पूरा आंसर बन जाएगा, ही टाट मी साइंस। नंबर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट नंबर यानी कि एक्टिव बनाना था, यानी कि सेंटेंस हमारा पैसिव है ये, तो देखो पैसिव बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अंकित इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, और सेंटेंस में बींग आया है इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही सेंटेंस अपने को चेंज करना है, अंकित के साथ में इज का प्रयोग करेंगे, आई के साथ में एम का यूज होता है, वी यू दे के साथ में आर का यूज होता है, और ही सीट और नेम के साथ में इज का यूज होता है, हेल्प इसमें मैन वर्ब है तो हेल्प से हेल्पिंग करेंगे, और जो ही है सब्जेक्ट इसको हिम में बदलेंगे, आंसर बन जाएगा। एक बार फिर सुन लीजिए, अंकित इज हेल्पिंग हिम। चलो देखते हैं अगला प्रश्न देख लीजिए, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो किससे लिया गया, ये लिया गया है सेगुल से, किससे लिया गया है, सेगुल से लिया गया है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, अमंडा, तो अमंडा का जो राइटर है, अमंडा पोएम का राइटर कौन है बच्चों, तो उसका राइटर है कहाँ गया, ठीक है, उसका राइटर है, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रॉबिन क्लेन इसका राइटर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द नेल्सन मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, भाई नेल्सन मंडेला के अनुसार इस संसार में सबसे ज़्यादा विश्व में धनी व्यक्ति कौन है, तो व्यक्ति यानी कि पीपल है, ठीक है। नंबर फोर देखेंगे, इन द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन व्हाट इज द नेम ऑफ द एरोप्लेन दैट द पायलट वाज फ्लाइंग, तो क्या उसने यानी कि डकोटा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। व्हाट डिड द एन फ्रैंक नेम हर डायरी, तो क्या लिखा था उसने डायरी में, किटी लिखा था उसने, सी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट हो जाएगा, क्या लिखा था, किटी। चलो अगला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ द पोएम एनिमल्स विच ऑफ द क्वालिटीज द ह्यूमन गिव्स अप, तो ऑल ऑफ दिस आ जाएगा इसमें, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में अगली पोएम्स जो दे रखी थी आपकी, फ्रॉम द विच पोएम्स द अबू लाइन्स हैव बीन टेकन, तो किससे लिया गया है, ये लिया गया है यानी कि डी ऑप्शन द बाल पोएम, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर ऑफ द वर्ड मेरली, ठीक है, मेरली मतलब होता है बच्चों खुशी, खुशी से, मेरली मतलब क्या होता है, खुशी से,
ठीक है, तो खुशी यानी कि यहाँ पर इसमें हैप्पीली वर्ड दे रखा है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में छोटा सा पैसेज आया था एक, इस पैसेज को अपने को सोल्व करना था। पैसेज है तहे वेयर डिड वांडा सिट इन द क्लासरूम, तो कहाँ बैठा हुआ था वो क्लासरूम में, तो वो बैठा हुआ था इन द लास्ट सीट, वो कहाँ पर बैठा हुआ था यानी कि अंतिम सीट पर वहाँ बैठा हुआ था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ड एब्सेंस, एब्सेंस का अपने को विशेषण बताना है बच्चों, तो विशेषण उसका विशेषण बन जाएगा यहाँ पर, यानी कि उसका जो विशेषण है वो है एब्सेंट, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, तो उस का राइट आंसर बन जाएगा यानी कि बी ऑप्शन, यानी कि द 100 ड्रेस फर्स्ट। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर्स आए थे जो कि आपको बुक्स में हम क्वेश्चन आंसर हमने समझाया है, और ये क्वेश्चन आंसर आपको इनके जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर से थे बुक से अपने को सोल्व करना था। बट मैं माय डियर स्टूडेंट, मैं अगेन आपसे कहना चाहूँगा कि जितने भी सारे विषयों के पेपर के सॉल्यूशन है आपको हमारे पेपर, हमारे जो चैनल है इस पर 100% रियल सॉल्यूशन, भाई मार्केट में बहुत सारे फर्जी सॉल्यूशन तो आपको देखने को मिलेगा, बट रियल सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर प्रत्येक पेपर का रियल सॉल्यूशन आप लोगों को मिलता रहेगा। और हम चाहेंगे आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे और आने वाले टाइमिंग में आप बेस्ट परफॉर्मेंस करें, इसी आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए क्योंकि आने वाले टाइमिंग्स आपके लिए भाई कैसा टाइमिंग हो सकता है ये खुद आप अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।